नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने अभी तक काफ़ी सारे रीट के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस सेशन में लेकर कंफ्यूजन है। देखिए, हम एक सेशन के अंदर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स को कवर नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल सेशंस होंगे। आज जितनी हो पाएंगी सेशन के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जीडीपीएल चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करना ना भूलें और अपना फीडबैक डेफिनेटली हमको दीजिए। आप जब भी हमारे यूट्यूब चैनल या पेज खोलेंगे, उसमें एक बेल आइकन देगा, उसको बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स का। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रेजल वर्ब बहुत सारी हैं, हम सारी की सारी कवर नहीं कर पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने वो पिक करी है और उसको हम आज प्रेजेंट करेंगे आज यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं पहली फ्रेजल वर्ब से। पहली फ्रेजल वर्ब क्या कहती है? अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब क्या हुआ? किसी कानून या अनुबंध पत्र के अनुसार कार्य करना या इसे स्वीकार करना। देखिए, हम पहले की डिस्कस करें, अबाइड की बात करें, किसी कानून। सो इन इंग्लिश अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ और एन एग्रीमेंट एक्सेट्रा। सो अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू एनी एग्रीमेंट गिवन विच यू हैव साइंड, इज कॉल्ड अबाइड बाय। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह सकता हूँ वी विल अबाइड बाय द लॉ। हम लॉ के जो भी एग्रीमेंट में मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ही जाएंगे। वी विल अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन इन द एग्रीमेंट। दिस इज नथिंग बट एग्रीइंग टू सर्टेन फैक्ट्स। आप एग्री, आप हाँ कर रहे हैं उन सारे रूल्स और उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को जो उस एग्रीमेंट में या उस लॉ के अंदर लिखी है। दैट इज नथिंग बट द अबाइडिंग बाय द लॉ, टू एक्सेप्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ और एन एग्रीमेंट। किसी कानून या अनुबंध पत्र के अनुसार आपने इसे स्वीकृत किया है। पॉइंट नंबर वन, जिनको भी ये पॉज करके लिखना है मीनिंग लिख लीजिए। मैं इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ लिखने की जगह नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल आपको लिखवाता चला जाऊंगा। तो अबाइड का एग्जाम्पल क्या कहेगा? वी विल अबाइड बाय योर डिसीजन, या फिर वी विल अबाइड बाय द लॉ। आई होप ये बहुत सिंपल है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, जो कि है बैक ऑफ। बैक ऑफ का, सॉरी, बैक अवे। बैक अवे का मीनिंग क्या है? हिंदी में इसका मीनिंग हुआ खिसक जाना या टालना। देखिए, ये इस सेशन को आप एकदम लाइव सेशन की तरह ट्रीट करें। मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं, इनको पढ़ रहा हूँ, उसका हिंदी में मीनिंग मैं आपको लिखवाता चाहूँगा। आप लिखते चलें और अगर आप वापस रिवाइंड करके देखना चाहें, प्लीज डू इट, डू इट एज यू आर कंफर्टेबल। सो बैक ऑफ, बैक अवे मीन्स खिसक जाना या टालना। सो इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू मूव अवे बैकवर्ड या टू अवॉइड डूइंग समथिंग। इसका एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, जिसको लिखना है लिख लीजिए। ही बैक्ड अवे फ्रॉम द प्लानिंग ऑफ थेफ्ट एट द लास्ट मिनट। मैंने अपना जो चोरी करने का प्लान बनाया था उससे मैंने बैक ऑफ, बैक अवे, आई जस्ट, मैं हट गया उससे। आई होप ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बैक ऑफ। बैक ऑफ इसका सिंपल मीनिंग हिंदी में जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। बैक ऑफ, किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है मूव अवे, मूव अवे। द मैनेजमेंट हैज बैक्ड ऑफ फ्रॉम अ फंडामेंटल रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। बैक्ड ऑफ, ठीक है, आगे चलें। अगला है ब्लो अवे। अगला है ब्लो अवे। इसको ये कहता हूं हिंदी में, अगर मैं बात करूं तो गोली मारकर किसी की हत्या कर देना इज ब्लो अवे, या किसी को अत्यधिक प्रभावित या खुश करना। देखिए, गोली मारकर हत्या करना या अत्यधिक प्रभावित या खुश करना। टू किल समवन बाय शूटिंग और टू इंप्रेस लॉट और मेक वेरी हैप्पी। सो इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, द क्रिमिनल ब्लू अवे मेनी इनोसेंट पीपल।
हत्यारे या क्रिमिनल या अपराधी ने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की हत्या कर दी, ब्लू अवे या ब्लो अवे, ठीक है। अगला है ब्लो इन या ब्लो इन टू, इसका है टू स्टार्ट प्रोडक्शन और टू अराइव और एंटर प्लेस सडनली, उत्पादन प्रारंभ करना या अचानक प्रवेश करना या पहुंचना। इसका एग्जाम्पल उदाहरण अगर आप लिखना चाहें, समबडी हैज जस्ट ब्लोन इन, समबडी हैज जस्ट ब्लोन इन, सडनली आप किसी जगह पे पहुंच गए हैं, जस्ट पहुंच गए हैं, आई जस्ट रीच देयर, ब्लोन इन। आप इसको ऐसे सी, इसका इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा अच्छा है कि एक ही चीज को आप तीन चार तरह से कह सकते हैं, आई जस्ट रीच्ड, आई जस्ट ब्लोन इन, सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल, ब्लोन इन या ब्लोन इन टू। अगला है, एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बर्स्ट इन या बर्स्ट इन टू। अब आप अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अच्छी है तो बर्स्ट का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बर्स्ट इज फटना, फटना, फट गया कोई चीज, फट गई, बर्स्ट इन। अब आप सोचिए बर्स्ट इन, आप खुद कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि बर्स्ट इन का मतलब क्या हो सकता है, इसका मीनिंग है टू एंटर सडनली और नॉइजली, टू एंटर सडनली और नॉइजली। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नाराज हो, खफा हो, दुखी हो, तब वो क्या करेगा, कमरे में एकदम से घुसता घुसा चला आएगा, किससे, गुस्से के मारे। सो दैट इज नथिंग बट बर्स्ट इन। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें बर्स्ट इन का तो लिख सकते हैं, रमेश बर्स्ट इनटू माय कैबिन, रमेश बर्स्ट इनटू माय कैबिन। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला देखते हैं, बर्स्ट ऑन और बर्स्ट ऑन टू, बर्स्ट ऑन या बर्स्ट ऑन टू, इसका मतलब हुआ अचानक उपस्थित होना। देखिए एक एक तो अचानक से शोर करते हुए प्रवेश करना, ये था बर्स्ट इन या बर्स्ट इन टू, मैं कह रहा हूं बर्स्ट ऑन या बर्स्ट ऑन टू। कह रहा है बर्स्ट ऑन या बर्स्ट ऑन टू का मतलब है अचानक उपस्थित होना, टू इंटरप्ट, या तो टू इंटरप्ट या फिर टू अपीयर सडनली। ही बर्स्ट इन ऑन द मीटिंग, ही बर्स्ट इन ऑन द मीटिंग, या फिर बर्स्ट ऑन टू, सॉरी मैंने बर्स्ट इन ऑन का बता दिया आपको, बर्स्ट ऑन या बर्स्ट ऑन टू का रहेगा। आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ने का शौक है। अभी रिसेंटली पिछले 10-12 सालों में एक इंडियन ऑथर एकदम से राइज हुआ है, कौन है मालूम है आप लोगों को, नहीं, चेतन भगत। तो चेतन भगत की, और उसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज भी बनी है हमें पता है। सो चेतन भगत की एकदम से कहाँ से एक राइटर आया जो एकदम से अपियर हो और आज तक काफ़ी अच्छी किताबें लिखते चले जा रहे हैं। सो बर्स्ट ऑन टू, मैं कह रहा हूँ अपियर सडनली, एकदम से तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब उन्होंने पहली किताब लिखी थी तब से लेकर अभी तक ही इज लाइक राइजिंग लाइक अ स्टार। सो और अब मैं इसको ये कह सकता हूँ वो कहीं से एकदम से बाहर आए। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू अपियर सडनली। इसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ, चेतन भगत बर्स्ट ऑन टू द लिटरेरी सिनेरियो ऑफ इंडिया। चेतन भगत एकदम से अपियर हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आए, आई आई टी से, और एकदम से बहुत अच्छी किताबें उनकी चल पड़ी, राइट। सो ये बर्स्ट ऑन या बर्स्ट ऑन टू का मीनिंग था। चलिए आगे चलते हैं, अगला है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इसका मतलब है कोलैप्स होना, ब्रेकडाउन कोलैप्स होना, या अचानक असफल होना, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि फेल इन योर फिजिकल हेल्थ, आपकी हेल्थ गिर रही है, कोलैप्स इन योर टीयर्स इमोशन, आप कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। सी ब्रेकडाउन का सिंपल है कि आप इनको बहुत सारी चीज़ों से कोरिलेट कर सकते हैं। सो इसका ऐसा भी हो सकता है, आप इसको ऐसे याद रखिए, आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं और मान लीजिए आप टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं और आपका टू व्हीलर एक्टिवा, जो भी आप स्कूटी जो भी इस्तेमाल करते हैं, बाइक सडनली खराब हो गई, सडनली अगर खराब हो जाए, कलाप्स हो गई, तो आप क्या करेंगे, माय बाइक ब्रोक डाउन और माय स्कूटर ब्रोक डाउन। ये एक टेक्निकल टर्म नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, माय स्कूटर ब्रोक डाउन व्हेन आई वाज कमिंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो कलाप्स होना, फिजिकल हेल्थ या डिमोलिश होना, या फिजिकल हेल्थ में उसका मेरा हेल्थ
ब्रेक डाउन ऐसे तो ऐसे कहते नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए कहते हैं, जनरली हेल्थ के लिए भी यूज किया जा सकता है और काफी जगह है इसको इस्तेमाल करते हैं। आप तो सिंपल से एग्जाम्पल है, ब्रेक डाउन आपकी मोटरबाइकल है या स्कूटर है, वो ब्रेक डाउन हो गया, मैकेनिकली फेल हो गया, उसको स्टार्ट करना, दैट इज नथिंग बट द ब्रेक डाउन। आई होप ये बहुत सिंपल से पॉइंट ना। अगला है ब्रेक इवन, ना तो मेरे को हानि हुई और ना ही मुझे लाभ हुआ, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली सिचुएशन, नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट वाली सिचुएशन को हम ब्रेक इवन सिचुएशन कहते हैं। ये जो कॉमर्स वाले जिन्होंने भी थोड़ी बहुत कॉमर्स पढ़ी हुई है, 11th 12th में जिनके पास कॉमर्स होगा उनको ब्रेक इवन का मतलब समझ में आ गया, ना तो मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया ना ही मैं नुकसान में हूँ, बस ब्रेक इवन हूँ, जितना है बस जितनी लागत थी उतना मैंने कवर कर लिया, दैट इज नथिंग बट द ब्रेक इवन। लिख लीजिए जिनको भी लिखना है पॉइंट, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का कह सकते हैं वी ब्रेक इवन इन दिस बिजनेस, वी हैव ब्रेक इवन इन दिस बिजनेस, हमने ब्रेक इवन कर लिया है, हम लॉस में नहीं है ना हम प्रॉफिट में है, बट हाँ जितनी लागत थी उतनी हमने कवर कर ली है। अगला है ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन इसका मतलब होता है डिस्टर्ब या इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब या इंटरप्ट करना, जिसको लिखना है पहले लिख लें, परेशान करना या रुकावट डालना। इसका मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, द प्रोजेक्ट वॉज ब्रोकन इन ऑन by unsocial elements of the colony. The project was broken in on by the unsocial elements of the colony. I hope clear है. अगला है break in into. अगला है बहुत simple है, सारे सारे वो ही लिए हैं जो exam point of view से important है. Break in into का मतलब क्या है? बलपूर्वक प्रवेश करना. Enter by force. The robbers broke into our house when we were sleeping. देखिए जो चोर होगा वो अनुमति लेके तो नहीं आएगा, राइट? तो क्या करेगा? दरवाजा तोड़ेगा, और किससे करेगा? शक्ति बल से। सो दे ब्रेक इंटू आर हाउस, ब्रोक इंटू आर हाउस, हमारे घर में जबरदस्ती घुसाना, और कौन घुस सकता है जबरदस्ती आपके घर में? चोर, बस। तो ये क्या है? ब्रेक इन या एंटर। ब्रेकआउट अगला है, ब्रेकआउट का मतलब है बिगिन सडनली। देखिए ये जो वर्ड है ब्रेकआउट, ये जनरली थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में मैं ज्यादा इस्तेमाल करना चाहूंगा, नेगेटिव। द वॉर ब्रोक आउट, द एपिडेमिक बीमारी फैली है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वॉर शुरू हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वॉर शुरू, द वॉर ब्रोक आउट है ना। So, breakout means to begin suddenly, कुछ एकदम से हो जाए ऐसा, so breakout। चलिए इसका example एक और ले लेते हैं समझने के लिए, कहते हैं war broke out between India and Pakistan। I hope बहुत simple सा point है। अगला है breakthrough, make a way with force। देखिए break in on और इसका confused मत होइएगा, ब्रेक थ्रू का मैं और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ब्रेक इन तो एक तो चोर वाली बात हो गई और ब्रेक थ्रू हो गया, द सोल्जर ब्रोक थ्रू द फेंस। अच्छा आप उसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए। ब्रेक थ्रू, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है आप समझिए, देर इज वन स्ट्रगलिंग एक्टर, कोई भी आपको जो पसंद हो वो ले लीजिए, जब उनको सक्सेस नहीं मिलती, हम कहते हैं ब्रेक थ्रू नहीं मिला, बहुत कॉमन वर्ड है यूज करते हैं हम, टर्मिनोलॉजी है, ब्रेक थ्रू नहीं मिला, ब्रेक थ्रू मीन्स हमें वो सक्सेस नहीं मिली, या फिर मैं कहूँगा एकदम से इंस्टेंट हिट नहीं हो पाया कोई हीरो, सो ब्रेक थ्रू नहीं मिला। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इन, ब्रेक इन मतलब वो जबरदस्ती बदतमीजी करके घुसना, ब्रेक थ्रू थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया और ये नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड पे है कि आप कर रहे हैं, हम जनरली हमें जब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जब हम कॉर्पोरेट में यूज करते हैं, हम कहते हैं हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला, मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, बट विल टेक टाइम, सो ब्रेक थ्रू। सो इसका एग्जाम्पल अगर आप नोट करना चाहें पहले इसको नोट कर लीजिए, ब्रेक थ्रू मीन्स मेक अ वे विद अ फोर्स, लेकिन इसका एक्चुअल एग्जाम्पल क्या होगा, द सोल्जर ब्रेक थ्रू द फेंस, द सोल्जर ब्रेक थ्रू द ब्रोक थ्रू द फेंस, सॉरी आई एम सो सॉरी, ब्रोक थ्रू द फेंस। अगला और लास्ट है ब्रेकअप, जो कि
आजकल के यूथ कल्चर में बहुत कॉमन फिनोमेना है ब्रेकअप। इसके ऊपर तो गाना भी आया था बहुत अच्छा। सो ब्रेकअप मीन्स डिस्पर्स या ब्रेक इन पीसेस, ब्रेक इन इमोशन, इमोशंस में शैटर हो जाना, दैट इज नथिंग बट द ब्रेकअप। ब्रेकअप द पुलिस केम एंड द रॉबर्स ब्रोकअप। इसके दो दो मीनिंग हो सकते हैं। आप ब्रेकअप के एक्चुअली दो मीनिंग है, एक जो एक्चुअल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, ब्रेकअप वाला ब्रेकअप है, हमने ब्रेकअप कर दिया। दूसरा ब्रेकअप का एक और मीनिंग होता है जब आप पुलिस लेट्स से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी चीज को लेकर। सो व्हाट दे डू इज दे वो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बढ़िया वाली खातिरदारी की जाती है। जब वो खातिरदारी की जाती है कुछ उगलवाने के लिए, दैट इज नथिंग बट द ब्रेक ब्रेकअप। वो टूटा नहीं, नहीं कहते क्रिमिनल को बहुत मारा। फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कुलभूषण जाधव जो आपको पता होगा पाकिस्तान में कैद है, हमारे रॉ के एजेंट, ही स्टिल डिडंट ब्रेकअप। उसने अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन इंडियन रॉ के बारे में नहीं दी है। सो ही डिडंट ब्रेकअप, सो दैट्स द वर्ड जिसमें कहते हैं ना आदमी टूट जाता, अंदर से टूट जाना, दैट इज नथिंग बट द ब्रेकअप। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जिनको भी ये पॉज ये लिखने हैं सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, पॉज करके हम आज थोड़ी और डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। चलिए और सारी फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। अभी हमने दो ए और बी पे कवर किया, आज सी और डी और एफ पे भी कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहली फ्रेजल वर्ब है कैरी अबाउट। बहुत सिंपल है, कैरी अबाउट का एक्चुअल हिंदी मीनिंग अगर आप लिखना चाहें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय कोई भी चीज को साथ रखना। टू रिटेन अ थिंग व्हाइल यू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो बहुत सिंपल है, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को अपने साथ रखते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें, दिस मैन कैरीज अबाउट सारीज एंड सलवार सूट्स फॉर सेल। ठीक है, कैरीज अबाउट, ठीक है। आई होप भाई बड़ी सिंपल है, वैसे इतना ज्यादा है नहीं लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको लिया। अगला है कैरी बैक। कैरी बैक मीन्स रिकॉल, कैरी बैक स्मृति में वापस लेकर आना। यू हैव टू रिकॉल, रिमेंबर द ओल्ड थिंग्स, सेम काइंड ऑफ थिंग। सो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आई डोंट लाइक टू कैरी बैक द बैड इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, बैड इंसिडेंसेस ऑफ माई लाइफ। आप कोई ऐसी घटना, ऐसी ऐसी इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में हो गए जिनको आप नहीं याद रखना चाहते, आई डोंट वॉन्ट टू कैरी बैक, मैं वापस अपने साथ ये सारी स्मृति नहीं रखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू रिकॉल, रिमेंबर, या वापस अपने दिमाग में जहन में लेकर आना चाहता हूँ। देयर इज नथिंग बट द कैरी बैक। आप इसको ऐसे कैरी बैक करें, कैरी बैक कैरी बैक कैरी बैक, आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं नहीं रिकॉल। अगला है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मीनिंग होता है किल, परफॉर्म या टू विन, मार देना, निभाना या जीतना। मैनी पीपल वर कैरिड ऑफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। मैनी पीपल वर कैरिड ऑफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। बहुत सारे लोग को मार दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, राइट। आई होप बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं। अगला है कम अबाउट। कम अबाउट, कम अबाउट का मीनिंग है या तो होना, कुछ चीज होना या दिशा बदलना, हैपन और द चेंज डायरेक्शन। सो अगर आप इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं, हाउ डिड इट कम अबाउट दैट ही फॉल फ्रॉम द टेरेस। ऐसा कैसे हो गया कि वो छत से नीचे गिर गया। कम अबाउट हैपन, कोई चीज होना या दिशा बदलना, जनरली हैपन से ज्यादा रिलेटेड है ये, राइट। अगला देखें कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीट बाय चांस, कम अक्रॉस मीट बाय चांस, संयोग से मिलना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वाज बाइंग वेजिटेबल। मैं अपने दोस्त से बाजार में ऐसे मिले, नहीं तो एकदम संयोग, कोइंसिडेंस जिसे हम कहते हैं, लक बाय चांस हमें मिल गया हमारा फ्रेंड रस्ते में। सो दैट इज नथिंग बट आई केम अक्रॉस या कम अक्रॉस, दैट्स नथिंग बट मीट बाय चांस। कम ऑन प्रोग्रेस या स्टार्ट, ओके है प्रोग्रेस या स्टार्ट के लिए, है प्रोग्रेस या स्टार्ट के लिए।
पुअर बॉय वॉज कमिंग ऑन नाइसली, द पुअर बॉय कमिंग ऑन नाइसली, कम ऑन। अगला है कम अराउंड, कम राउंड, कम राउंड। चेंज वंस ओपिनियन, या फिर मैं चेंज को भी कह सकता हूं, राय बदलना, राय बदलना। आई हैड टू कम अराउंड माई व्यूज अबाउट माई नेबर्स। मान लीजिए आपके पड़ोसी बड़े खराब हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं, सो आप अपनी ओपिनियन चेंज करना चाहते हो, सो कम अराउंड। आई हैड टू कम अराउंड माई व्यूज अबाउट माई नेबर्स। आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल। अगला है कम अपॉन, फाइंड बाय चांस, कम अपॉन, फाइंड बाय चांस। आई केम अपॉन माई लास्ट रिंग अंडर द टेबल। तुक्के में मिल जाना कहते हैं, तुक्के में मिल गया कोई चीज, तुक्के में मिल गया। ठीक है, सो अगला देखते हैं, ड्रॉ ऑन। ड्रॉ ऑन का एक्चुअल मतलब होता है अप्रोच, ड्रॉ ऑन का एक्चुअल मतलब है अप्रोच, मीनिंग जिसे हम कहते हैं मीन अप्रोच। सो इसका एग्जाम्पल अगर होगा, आई ग्रू ओल्ड कोल्डर एज नाइट ड्रू ऑन। जैसे जैसे रात आती गई ठंड बढ़ती गई। इट ग्रू कोल्डर एज नाइट ड्रू ऑन। आई होप बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, आपको समझ में होगा। अगला है ड्रॉ अप, ड्रॉ अप इसका मतलब है तैयार करना या प्रिपेयर, तैयार करना या प्रिपेयर। द लॉयर हैज ड्रॉन अप हिज एग्रीमेंट, द लॉयर हैज ड्रॉन अप हिज एग्रीमेंट। एक लॉयर ने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु ड्रॉज अप द टाइम टेबल इन योर कॉलेज, हु ड्रॉज अप द टाइम टेबल इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में टाइम टेबल कौन प्रिपेयर करता है, दैट इज नथिंग बट ड्रॉ अप का मतलब है तैयार करना या प्रिपेयर करना। अगला है ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, पेइंग अ शॉर्ट विजिट या थोड़े समय के लिए मिलना, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट मीटिंग जिसे कहते हैं ना। इफ यू पास बाय दिस वे, इफ यू पास दिस वे देन जस्ट ड्रॉप इन। हम कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में एक बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल यूज कहते हैं, व्हाई डू यू ड्रॉप इन। अब ये नहीं कि गिरना, ड्रॉप इन मीन्स पेइंग अ शॉर्ट विजिट। आप किसी फ्रेंड के साथ, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में थोड़ा सा टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ऑफिस के अंदर टाइम बहुत लिमिटेड है, सो व्हाट यू डू इज व्हाई डू यू ड्रॉप इन। दैट ड्रॉप इन मींस एक छोटी सी मीटिंग के लिए, 15-20 मिनट के लिए, लेट्स हैव अ कॉफी और टी, आ जाइए आप मेरे साथ, हम दोनों मिलकर बात करेंगे। सो व्हाई डू यू ड्रॉप इन, ऐसा एक जनरली कहते हैं ना फ्रेज यूज किया जाता है, व्हाई डू यू ड्रॉप इन। और इफ यू आर गोइंग दिस वे जस्ट ड्रॉप इन, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो जस्ट ड्रॉप इन, ड्रॉप इन मीन्स 15-20 मिनट के लिए, यहाँ रुक जाना फिर चले जाना आगे। ठीक है, सो दैट इज नथिंग विद ड्रॉप इन। अगला है फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब है रिट्रीट, यील्ड, पीछे हटना या आत्मसमर्पण करना, पीछे हटना या आत्मसमर्पण करना। एट लास्ट द आर्मी हैड टू फॉल बैक, अंत में सेना को पीछे हटना पड़ा, अंत में सेना को पीछे हटना पड़ा। फॉल बैक समर्पण करना, पीछे हटना, समर्पण करना या पीछे हटना। अगला है फॉल फ्लैट, असर ना होना, फॉल फ्लैट असर ना होना। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिज ईयर्स, मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फॉल फ्लैट कोई असर ना होना, आपने किसी को एडवाइस दी उसके कोई असर ही नहीं हुआ। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को बोला स्मोकिंग करना छोड़ दो, बट आपने उसने आपकी एडवाइस नहीं मानी, फॉल फ्लैट, दैट इज नथिंग बट उसके कानों पे असर ही नहीं होता। फॉल आउट, अगला है फॉल आउट, झगड़ना, क्वारल, फॉल फ्लैट हो गया, फॉल आउट नथिंग बट क्वारल, झगड़ना। इसको एग्जाम्पल कैसे करेंगे, डू नॉट फॉल आउट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, डोंट फॉल आउट विथ योर फ्रेंड्स, डोंट फॉल आउट। सी करो, देखिए आपने अगर थ्री इडियट्स देखी होगी उसमें एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि दोस्त जब फेल हो जाता है तो दुख होता है, बट अगर आपका दोस्त फर्स्ट आ जाता है और आप नीचे रह जाते हैं तो ज्यादा दुख होता है। सो दैट्स नथिंग बट फॉल आउट,
तो डोंट फॉलो आउट विद योर फ्रेंड्स इवन इन एनी केस, किसी भी केस में आपको उनसे झगड़ना नहीं है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। अगला है फॉल अपॉन, दैट मीन्स अटैक करना, फॉल अपॉन मतलब आक्रमण करना, टूट पड़ना। द जर्मन्स फेल अपॉन देयर एनिमीज एट नाइट, द जर्मन्स फेल अपॉन देयर एनिमीज एट नाइट। अगला आप इसका एक और एग्जाम्पल सिंपल ले सकते हैं, द रॉबर्स फेल अपॉन द मर्चेंट, डाकू ने, डाकू सौदागर पे टूट पड़े, डाकू सौदागर पे टूट पड़े, फॉल अपॉन। ठीक है, अगला है फेल थ्रू, और लास्ट है फेल थ्रू, इसका मतलब है फॉल थ्रू, सॉरी, इसका मतलब है फेल या असफल होना। द स्कीम हैज फॉलन थ्रू फॉर वॉन्ट ऑफ मनी, धन की कमी के कारण योजना असफल हो गई, धन की कमी के कारण योजना असफल हो गई। द स्कीम हैज फॉलन थ्रू फॉर वॉन्ट ऑफ मनी। देखिए, इस कुछ इंपॉर्टेंट हमने आज फ्रेजल वर्ब्स के पॉइंट्स कवर किए हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, हम सारी कवर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रही हैं हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपके कोई क्वेरीज या और आपके पास ऐसी फ्रेजल वर्ब हो जिनके आपको मीनिंग को लेकर कन्फ्यूजन हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज। सो GDPL चैनल को लाइक करना, इस पर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। देखते रहिए, धन्यवाद। जिनको भी ये वीडियो देखना लिखना है प्लीज़ पॉज करके लिख सकते हैं। थैंक यू।